वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारी क्लास है बी काम पार्ट वन और सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस आज हम इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस देखेंगे जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और अगर आप उनको अच्छे तरीके से तैयार करें तो वो आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं तो ये चंद क्वेश्चन हैं जो कि आप इनको गैस भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं अगर आप इनको तैयार कर लें तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं तो ये गेस्ट पेपर है 2021 का इसमें पहला क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द थ्री इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है ब्रीफली एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्वेश्चन नंबर थ्री है रेट द काइंड ऑफ मीटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी Question number 4 hai, define business and also explain the functions of a modern business. Or question number 5 define business combination. What are the chief types of business combination? the introduction to business, may important questions. Hai? तो इसमें जो अभी तक मैंने आपको फाइव क्वेश्चन बताए हैं तो आप ये जेन में रखिए कि इन ये यारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये आपका शामिल है क्वेश्चन नंबर फाइव बिजनेस कम्बिनेशन वट आर द चीफ टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस दूसरों की नस्बत कुछ ज़्यादा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिफाइन बिजनेस एक्सप्लेन स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस क्वेश्चन नंबर सेवन है डिफाइंड मार्केटिंग व्हाट इज मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स क्वेश्चन नंबर एट डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफ ट्रेड क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन पाकिस्तान क्वेश्चन नंबर टेन है डिस्कस इन ब्रीफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो अब ये जो टेन क्वेश्चन पिछले फाइव क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इन क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ये आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट मिलता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए बिजनेस वट इज बिजनेस एक्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए बिजनेस इसको भी आपने ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है ये इनकी नस्बत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पेपर में आने के चांसेस भी ज्यादा है

तो ये थर्टीन हो गए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए एक्सप्लेन डिस्टिंक्शन बिटवीन डेजोलेशन ऑफ फर्म एंड डेजलेशन ऑफ पार्टनरशिप आल्सो डिस्कस सर्कमस्टांसिस अंडर विच डेजन ऑफ पार्टनरशिप इज मेड तो इन चार क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर इलेवन जो है वो कंपेरेटिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडिंग इसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा लाजमी कर लीजिएगा उम्मीद है कि इन ये पेपर में क्वेश्चन आपको आएगा और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन भी जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है डिस्टिंगशन बिटवीन डेजलेशन ऑफ फर्म एंड ऑफ पार्टनरशिप ये क्वेश्चन Uh, जिस तरह मैंने अब ये बनाए हैं ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम टू तो सेम इसी तरीके से आएंगे इनमें से कुछ पोर्शन भी आ सकता है और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी आ सकता है लेकिन आपने क्वेश्चन की थीम को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और हमने इसको कैसे आंसर करना है तो इसलिए ये डेजोलेशन ऑफ फर्म है डेजोल्यूशन ऑफ़ पार्टनरशिप है इन दोनों में से भी कोई चीज़ आ सकती है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आता है हाउ मार्केटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग

इन टू डेज बिजनेस तो स्टूडेंट्स ये ट्वेंटी क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं उम्मीद है कि इन पेपर इन्हीं में से आएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है वो मैंने आपको बता दिए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर एलेवन है और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इनके नाइन्टी फाइव परसेंट चांस हैं कि ये पेपर में आएगा लेकिन फिर भी जेहन में रखिए कि ये चांस है आपने तैयारी अच्छे तरीके से करनी है लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताई इनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए इन उम्मीद है कि पेपर इन्हीं में से आएगा और अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो इनशाला आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा